सर्वप्रथम इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं तमाम गुरुजनों को गुरुजनों के चरणों में से प्रणाम करते हुए अपने वाणी को आरंभ करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और खास करके मनहर सर का, जिन्होंने इतने बड़े पैनल पे मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। हमारे ग्रेट सीनियर संदीप सर नाथ जी, सॉरी थोड़ा सा मेरा तबियत है, कुछ समय लूंगा ये मीटिंग, इसके बाद मैम आएंगे रश्मि मैडम मीटिंग लेने के लिए, 10-15 मिनट में स्पीच करता हूँ कुछ चीजों को लेके। राहुल नरकर सर, राहुल सर से बहुत दिन हो गए मेरी बात नहीं हुई, क्या बात है, नाराज है, क्षमा चाहूंगा सर, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ व्यस्तता के नाम से, इसी बहाने आज बात हो रही है। और हमारे टीम के जितने भी तमाम जाबाज लीडर्स हैं, जिनके वजह से आज नेट मुझे 79 डेज, 80 दिन होने में एक दिन बाकी है अभी मुझे, और सर ने जैसे बताया 4505 लोगों का टीम, सभी सीनियरों के मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से, मैंने अपने टीम के सहयोग से डेवलप हम भी अलग अलग एरिया में कर रहे हैं, और छोटा सा एक इनकम मैंने लिया है 57,200 रुपये, आज तक का मेरा पे आउट बना है इस काम से। और बस एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज आप सीख रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, जो चीज हम आप सुन रहे हैं, उन चीजों को अगर हम इम्प्लीमेंटेशन में लेके आए, अगर हम उसको फील्ड में हम उसको फॉलो करना शुरू करेंगे, तब जाके हमको फीडबैक मिलने वाला है, क्योंकि दुनिया में हर चीज सिद्धांत में चलता है। कुछ भी काम करें आप, जो आप बोएंगे वही आप काटने वाले हैं। अगर आप धान बोते हैं तो आप धान काटने वाले हैं, गेहूं डालते हैं आप जमीन में तो आप गेहूं काटने वाले हैं। अगर कुछ भी नहीं डालेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज हम कुछ विषयों पर बात करेंगे आपस में, थोड़ा सा एक मैटर है, 2-4 पॉइंट है जिसके विषय में मैं आप सबसे चर्चा करना चाहूंगा। तमाम जो हमारे ट्रेनर साथी हैं उनको भी मैं इस मंच से नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, उन सबके मार्गदर्शन की वजह से ये सब चीज हो पाया है। उन तमाम लोगों ने बहुत मेहनत किया है हम सबको सिखाने में, बताने में कि कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, उसको हम सुधारें। इस दयानंद मांड गुरु सर, श्याम स्वामी सर, अभी विनोद जी, बहुत से लीडर्स हैं हमारे, सभी तमाम सीनियरों को मैं नमन करता हूँ, और आगे मैं इस काम को, इस ट्रेनिंग को आगे मैं जारी करता हूँ सर। तो कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें, जिन चीजों को लेकर के हम लोगों को काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ट्रस्ट। जब हम नए होते हैं हर किसी के मन में एक कंफ्यूजन होता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक लंबे समय का विश्वास लेके इस काम को अगर हम करेंगे विजन के साथ, तो बहुत आसान होगा और दिल को सुकून मिलेगा। अगर हम हाँ ना कंफ्यूजन में रहेंगे तो हम बड़े मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे, बड़े अचीवमेंट को हम अर्न नहीं कर पाएंगे, बड़ा इनकम यहाँ पे अर्न नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट करिए। रोज सुनते आए हैं आप, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, सीनियर के ऊपर ट्रस्ट करना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज नया होता है तो लोग शुरू में विरोध करते हैं। कुछ भी काम आप पकड़ लो, भारत में जैसे सबसे पहले पानी पीना शुरू हुआ से 20-25 साल पहले, लोगों ने बोला भारत में गंगा बहती है, दूध जो है 10 रुपए लीटर बिकता है, पानी 12 रुपए लीटर, कौन खरीद के पिएगा। लोग उसको कुछ भी बोले, उलझ उलझ बातें कहे, बेवकूफ हो गया है, घर वाले लोगों ने मना किया, ऐसा कभी होता है, हो ही नहीं सकता, पानी नहीं बिक सकता। लेकिन उस व्यक्ति को विजन था, ट्रस्ट था सिस्टम पे, ट्रस्ट था आने वाले अपॉर्चुनिटी पे। बीसी चौधरी उसका नाम है, पानी बेच बेच के आदमी आज 45,000 करोड़ का मालिक हो चुका है। और हम और आप ऐसी चीज बेच रहे हैं जिसका रिक्वायरमेंट हर घर को है, हर व्यक्ति को है, इसके बिना एक पल भी आगे बढ़ पाना, जीवन का सर्व कर, जीवन को सर्व कर पाना, आगे बढ़ा पाना संभव नहीं है। तो सोच के देखिए कितनी असीम संभावना है इस अपॉर्चुनिटी में। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ट्रस्ट, हमको करना होगा, बाहर के अफवाहों से हम सबको दूर रहना होगा। सॉरी, क्योंकि दुनिया में तो लोग ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहीं से भी नई नई दिमाग में विचार आते रहते हैं, उन विचारों को कंट्रोल करना आपको ही है। क्योंकि कहा जाता है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारा काम, ये जो दो कान दिया है, इस दो कान का काम सिर्फ सुनना है, एक कान से भी काम चल जाता, लेकिन ऊपर वाले ने दो कान क्यों दिया है। कुछ लोग सोचते हैं या बोलते हैं इधर से सुनना इधर से निकालना है, लेकिन मुंह एक दिया है, दो कान एक मुंह, सोच के देखिए, विचार करिए, एक मुंह है लेकिन इसको बहुत सारे काम है, खाना खाना, पानी पीना,
गाना गाना, मुस्कुराना, बोलना, एक बार हम मुंह से सांस भी लेते हैं, गुस्सा करना, गाली देना, मतलब बहुत सारा काम एक मुंह से होता है। कान सिर्फ इसका एक ही काम है, वो है सुनना। ना सुनना वाला बात ही नहीं, कितना भी बंद कर लो कुछ ना कुछ सुनाई आपको देना ही देगा ही देगा। लेकिन एक से काम चल जाता उसके बावजूद गुरु गुरुवाणी ने दो काम क्यों दिया है? सही से सुनना है, अच्छे से सुनना है, स्टोर करके यहाँ माइंड में रखना है, और रख के उस बात को यहां से अच्छी बातों को निकालना है। लेकिन अगर हम हमारा जीवन में अगर हम सफल होना चाहते हैं, या हम हमारे जीवन में जिस मुकाम में आज पहुंचे हैं, उसके पीछे एक ही रीजन है कि आज तक हम क्या सुने हैं, क्या देखे हैं, क्या हमने या हम क्या पढ़ाई पढ़े हैं, उसके ऊपर ही तय होता है कि आज का हमारा जीवन हम कैसे जी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना कि आप और हम अपने अपने मार्केट में आसपास में जो लोग रहते हैं उन्हीं के हिसाब से अब हमारा जीवन बनता है। अगर आपके 5 दोस्त जैसे हैं वैसे ही आपका भी जीवन बनने वाला है। अच्छे हैं तो अच्छा बनेगा, बुरे हैं तो बुरा बनने वाला है। अगर आप एवरेज इनकम 20,000 कमा रहे हैं तो आप विचार करके देखिए कि आपके आसपास में ही लोग 20,000 से ज्यादा इनकम लेने वाले नहीं होंगे। अगर आपको महीने के 1-1.5 लाख रुपए इनकम करना होगा तो अपने सोच के साथ, विश्वास के साथ उन लोगों से प्लग होना होगा जिनका महीने की इनकम 1 से 1.5 लाख है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, इस बिजनेस को आप पारंपरिक बिजनेस की तरह ही करें। सॉरी, ये जो बिजनेस है, ये जो व्यापार है हमारा, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, जो भी हम कहें, लोगों को डेवलप करने का बिजनेस है। इस बिजनेस को अगर आप और हम व्यापार, जो परंपरागत व्यापार है, उसी व्यापार के तरीके से डेवलप करेंगे तो हम बहुत आसानी से इस काम को कर पाएंगे और रिलैक्स होकर बहुत बड़े मुकाम को हम हासिल कर पाएंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है सर, एक दुकानदार 5 लाख रुपए अगर वो दुकान डाला है तो पहला काम करता है वो रोज खोलता है। पता नहीं वो कितना कमाता है हर दिन, ये तो वही जाने, लेकिन वो पहला काम करता है रोज दुकान खोलने का। आपको और हमको अपने आपसे सवाल पूछना होगा, अगर हम भी यहाँ पैसा बनाना चाहते हैं तो क्या अपना दुकान हम रोज खोल रहे हैं? अब दुकान खोलने वाली बात आती है तो क्या हमारे पास कोई शटर तो नहीं? ये जुबान ही हमारा दुकान है, इसी दुकान को रोज खोलना है, रोज प्लान करना है। जैसे एक परंपरागत व्यापारी, ट्रेडिशनल व्यापारी अपने दुकान को चाहे वो धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, वो सुबह 7 से 8 बजे उनका टाइमिंग है, उस टाइम पे ओपन करता है। रात 7 से 8 बजे जो भी उसका समय है उस समय तक वो खोल के रखता है, चाहे ग्राहक आए तो ना आए तो। अगर हम और आप इस सिस्टम को फॉलो करें, ट्रेडिशनल बिजनेस में 10-15-20-25 हजार के लिए व्यक्ति रोज दुकान खोलता है, क्यों आप हम महीने के 1.5 लाख, महीने के 4.5 लाख, वो तो आपकी क्षमता को डिपेंड करने वाला है कि आप यहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं। क्या आप और हम उतने ही सिंसियर होके अपना दुकान रोज खोलते हैं, रोज हम प्लान दिखा पाते हैं? अगर हम ये करना शुरू करते हैं तो 101% यहाँ से जैसे उस दुकानदार को 6 महीने साल 2 साल में सफलता मिलता है, वही सफलता आपको और हमको यहाँ से मिलने वाला है। क्या करता है, सुबह उठ के अगरबत्ती जलाता है, झाड़ू लगाता है, कुल मिला के वो सम्मान दे रहा है अपने दुकान का, अपने काउंटर का। वही चीज आप और हमको भी करना है। जनरली हम जब नए होते हैं तो उतना महत्व हम नहीं देते इस काम को जितना हमको महत्व देना चाहिए। अगर हम इसका महत्व बढ़ाते हैं तभी हमारा महत्व बढ़ने वाला है। तो जैसे एक दुकानदार झाड़ू लगा के अगरबत्ती लगाता है, वही सम्मान के साथ आप और हम इस बिजनेस को प्रेम करें। ग्राहक आए तो भी, ग्राहक नहीं आए तो भी, अगर हम उसी सिद्धांत को फॉलो करके, ज्यादा नहीं 3 से 6 महीना करके देखिए क्या होता है आपके जीवन में। आप सब देख पा रहे हैं जो लोग 100% ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीजों को, उनके जीवन में परिवर्तन आते ही जा रहा है। हर इंसान आपके जैसा ही, हमारे जैसा ही है, बस थोड़ा सा संगत, थोड़ा सा आदत और कुछ अच्छे गुरुओं के संपर्क में अगर हम आ जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। लंबे अवधि का सोच रखे। एक दुकानदार 5 से 10 लाख रुपए लगाने के बाद वो 3 महीना बाद शटर नहीं गिराता, ग्राहक नहीं आएगा कि दुकान बंद नहीं करता, वो लंबे समय का सोच रखता है। वो सोचता है 3 साल बाद क्या होने वाला है,
5 साल बाद क्या होने वाला है, ये सोच के वो व्यक्ति रोज अपना दुकान खोलता है। आपको और हमको भी इस बिजनेस को परंपरागत व्यापार की तरह, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह, एक लंबी सोच के साथ, लंबी अवधि के साथ हमको करना होगा। निश्चित समय होना चाहिए, मन किया तो कर लिए, मन नहीं किया तो नहीं किए। कई हम लोगों से बात करते हैं, 4-5 दिन तक कुछ नहीं किए सर। अब सोच के देखिए, आप 5 लाख 10 लाख का दुकान खोलें, 4 दिन खोलेंगे, 5 दिन नहीं खोलेंगे, फिर 4 दिन खोलेंगे, फिर 5 दिन नहीं खोलेंगे, क्या होगा? ग्राहक डिस्टर्ब हो जाएंगे आपके, बोलेंगे दुकानदार सही नहीं है, यहाँ कुछ सामान, कभी जाओ दुकान खुलता है, कभी जाओ दुकान बंद रहता है, ऑटोमेटिक ग्राहक आपसे छूट जाएंगे और दूसरे दुकान को पकड़ लेंगे। सेम कहानी यहाँ पर भी है। अगर आप निश्चित समय में लगातार तरीके से इस काम को करते रहेंगे तो कुछ लोग आपको वाच जो कर रहे हैं वो आपके साथ आगे प्लग होंगे। समस्या तो है, मैं मानता हूँ कुछ लोगों को लगता है चैलेंजेस है सर, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आप मुस्कुराते रहिए। एक दुकानदार सोच के देखिए, कपड़ा का व्यापारी जिसके पास आप कपड़ा लेने जाते हैं 10 से 20 कपड़ा निकलवाते हैं आप, जूता का व्यापारी जिसके पास आप जूता लेने जाते हैं 10 से 20 जूता देखते हैं, कई बार जूता देख के, कपड़ा देख के, जो सामान आप लेने गए हैं देखने के बावजूद भी पसंद नहीं आता आप वापस चले आते हैं, क्या वो गुस्सा करता है, क्या कुछ बोलता है? कुछ नहीं, वो मुस्कुराता है, ठीक है भैया कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल सेवा का मौका दीजिएगा, ये कह के आपको विदा कर देता है। सेम ये बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ही हमको बिल्ड करना होगा। ये याद रखना होगा कि हम भी यहाँ पे 5, 10, 20, 25 लाख रुपया जितना पैसा है उतना हमने लगा के इसको शुरू किया है। इस चीज को माइंड में हमको डालना पड़ेगा, तब जाके हमारा व्यवहार, तब जाके हमारा कार्य का शैली उस तरीके से होगा। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्फिडेंस को देख के ही लोग आपके साथ प्लग होंगे। लोग आ रहे हैं तो भी, लोग नहीं आ रहे हैं तो भी, आपको पेमेंट जनरली शुरू में कई बार बनता है, रोज कई बार नहीं बन पाता है। वही चीज मैं उस दिन हमारे सीनियर रंजीत सर से मैं चर्चा कर रहा था, सर कई चीज प्रोजेक्ट पुराने कॉन्सेप्ट में हम महीने भर में एक बार पेमेंट आता था तब भी हम रोज काम करते थे, घर से निकलते थे, आज कई बार दिन में एक दिन पेमेंट नहीं बनता तो मन में थोड़ा सा आता है आज पेमेंट नहीं बना। सोच के देखिए, 4, 5, 10 हजार के लिए जो एक बार आता था पेमेंट किसी कॉन्सेप्ट में, कुछ लोग पुराने लीडर्स हैं, फिर भी हम 30 दिन दौड़ते थे, यहाँ तो डेली 2 दिन 1 दिन किसी कारण गैप हो जाता है, काम तो है भाई तो मन में लगने लग जाता है अरे आज पैसा नहीं बना, आदत सी हो गई है रोज पैसा लेने का यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए, प्रोजेक्ट पे भरोसा रखिए, क्योंकि अगर हजारों लोगों को यहाँ से पैसा आ रहा है, हमारे ही सीनियर यहाँ पे महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो 100% उनके रास्तों में चलेंगे, उनके आशीर्वाद देते रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में हम चलेंगे, तो एक न एक दिन आप और हम भी यहाँ पर उस मुकाम को हासिल करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सिर्फ प्रोजेक्ट को बेचना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि खुद को अगर हम ईमानदार बना लें अपने लिए, डेली मिनिमम 3 से 5 लोगों से आप मिले, आपके टीम के लोग काम कर रहे हैं तो सही, नहीं कर रहे हैं तो सही, क्योंकि आप अपने लिए आए हैं, आपको देख के ऑटोमेटिक लोग डुप्लीकेट करेंगे। अगर आप और बहाना बनाते हैं तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप या तो कंप्लेन कर सकते हैं, या तो बहाना बना सकते हैं, या तो पैसा बना सकते हैं। आपका टीम आपका ही प्रतिबिंब बनने वाला है। क्या आप अपनी टीम को प्रेरित कर पा रहे हैं? क्या आप की टीम में आप सम्मान बना पा रहे हैं? क्या आप अपने टीम में एक ऐसा संगठन को तैयार कर पा रहे हैं जहां पर हर परिस्थिति में लोग जीतने के लिए तैयार हो, हर परिस्थिति में लोग सफल होने को तैयार हो? ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा हमारे से ऊपर, हमारे से ही दुनिया शुरू होगी, हम जहाँ खड़े होंगे बोलते हैं ना वहीं से लाइन शुरू होगी दोस्तों। तो बस मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, आप ही एक और एक मेम है जिनको आज पहली बार मौका सीनियरों के आशीर्वाद से मिलने वाला है हमारे टीम में, 10वें 100 मेम, तो 10-15 मिनट का सेशन वो लेंगे। तो इस आज मीटिंग का मेरा उद्देश्य यही है कि इस बिजनेस को आप ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ही लीजिए, लंबे समय का सोच रखें आप, कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, जैसे लंबा लागत लगा के व्यापारी रोज दुकान खोलता है वैसे दुकान खोले आप, अच्छा व्यवहार बना के रखें। आत्मविश्वास का ही बिजनेस है, आपसे शुरू होगा, जो आप करेंगे वही नीचे पास होगा। अगर आप उम्मीद करते हैं
मेरे नीचे वाले लोग इस काम को करें तो सबसे पहले उस काम को आपको और हमको करना पड़ेगा, आप और हम करेंगे तभी नीचे वाले से हम उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो एक ही लास्ट टाइम पॉइंट कहना चाहूंगा आप सब लोगों से कि खुद से उम्मीद रखिए, आप भरोसा या विश्वास सबके ऊपर करिए लेकिन खुद से ज्यादा उम्मीद रखिए, क्योंकि दूसरों से अगर उम्मीद रखते हैं हम, अगर वो उम्मीद पूरा नहीं होता तो हमारा मनोबल टूटता है। इसलिए आप खुद से उम्मीद रखें, जितना आपसे बन पड़ता है मेहनत करें आप, क्योंकि आपका मेहनत कभी जाया नहीं जाएगा। अगर एक घंटा भी आपने वेस्ट समय लगाया है, ऊपर वाला उसका आपको 1000 गुना रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो हमेशा तथास्तु ही कहता है, आप और हम ही ऐसे हैं जो कई बार उल्टा सीधा बात कह के अपने आप को खुद स्थापित करते रहते हैं। अपने जवान को आपको और हमको संभालना होगा सर, क्योंकि यही से सब कुछ खेल होता है। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो अच्छा होता है, बुरा बोलते हैं बुरा होता है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, मेरे से नहीं होगा, शायद मैं नहीं कर सकता। क्या मांग रहे हैं आप? इन चीजों को आप बिल्कुल ध्यान रखिए सर। इसके ऊपर एक दिन अपन चर्चा करेंगे कि क्या आप सोचना है, क्या बोलना है और क्या करना है। ये तीन टॉपिक अलग रहेगा। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो क्षमा चाहूंगा मैं। सभी सीनियरों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। सभी गुरुजनों को फिर से मैं प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और नेक्स्ट स्पीकर जो हमारे गेस्ट हैं आज, जिनका पहली बार ये मंच में, उनका हम सम्मान करते हैं। बहुत ही वो भी सिंसियर और बहुत ही डायनेमिक लेडी है हमारी टीम में, और सीलिंग अचीवर करके बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज इलियास सर उनको वेलकम करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका स्वास्थ्य खराब होते हुए अपने जिम्मेदारी का आप निर्वहन किए, और जो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं साथियों को लगता है मेरे सर ना रात के 9 बजे पहुंचे होंगे, एकदम ठंडी कड़ाके की ठंडी में। साथियों बाइक में हम दोनों एक साथ थे और सफर करके जब लौटे तो रात को पहुंचे हो रही सर। यहाँ पे टीम को सर्विस देने के लिए दिन रात एक करने वाले हमारे जब लीडर है, दिन रात ऑनलाइन मीटिंग लेने वाले लीडर्स हैं साथियों, बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। व्यापार का जो नियम बताया साथियों, व्यापार में हमेशा मुस्कुराया जाता है, धीरज रखा जाता है, कहीं पर भी जाए साथियों हर चीज का सूत्र है। जैसे सरगम है साथियों, जैसे सरगम का जो 7 सुर है, यदि एक सुर को निकाल दिया जाए तो बेसुरा हो जाएगा साथ। लाइफ भी में एक सुर है, कुछ ना कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, व्यापार का रूल्स और रेगुलेशन है साथियों। यदि डेली आप पब्लिक कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे मतलब व्यापार नहीं कर रहे, डेली आप अपने सीनियर से बातचीत नहीं कर पा रहे साथियों मतलब व्यापार आपका रुक गया है। बहुत से साथी जो डेली अपना सीनियर से बातचीत नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं आप देखना यदि आप बात नहीं कर रहे साथियों तो आपका व्यापार रुक रहा है, बता रहा हूं क्यों। आपका व्यापार सीनियर से नाराजगी या जूनियर से नाराजगी होने से नहीं है साथियों, उससे केवल तालमेल बना के काम करने से है। तो आप पब्लिक कॉन्टेक्ट करिए और अपने सीनियर को डेली रिपोर्टिंग दीजिए। बहुत से साथी लोग का डेली रिपोर्टिंग की जगह हफ्ता दिन में रिपोर्टिंग देने का आदत रहता है, तो हफ्ता दिन बाद आपका व्यापार फिर स्टार्ट होगा। आपने एक हफ्ता में जो पैसा कमाने वाले थे साथियों वो कमाने से आप चूक गए, तो ऐसा ना करें साथियों। मीटिंग भी है, रेगुलर मीटिंग अटेंड करिए। मीटिंग आज अटेंड कर रहे हैं, 4 दिन बाद आप अटेंड नहीं करोगे फिर भी आपका काम गड़बड़ाते जाएगा, इसलिए मीटिंग को भी ध्यान रखेंगे और ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि जो चीज हमको मिला है साथियों यदि आप दूसरे को अच्छा तरीके से बांट दे तो आपको बेहतर भविष्य बन सकता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक ऐसे महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण हमारे सामने है, जिनका मधुर वाणी, मधुर विचार और मधुर ज्ञान सुनेंगे साथियों तो आपका लाइफ स्टाइल बहुत बड़ा चेंजेस आ सकते हैं। मेरे अपलाइन है श्रीमती रश्मि साहू जी, मैं 2 शब्दों के साथ उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए। कर आस उसी पर ऐ बंदे, कश्ती को भंवर पर जाने दे, फिर देख तेरी उस कश्ती को वो कैसे पार लगाता है, वो कैसे पार लगाता है। उस आस्था, उस ऊपर वाले ऊपर आस्था करके इस काम को करें। और मैं श्रीमती रश्मि साहू जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमारे साथियों के बेहतर भविष्य के लिए बेहतर जानकारी अपना अनुभव। थैंक यू सो मच भैया। मैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को सुबह का नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? यस 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 यस, कंटिन्यू। आप सभी को सुबह का नमस्कार और थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे इतने बड़े पैनल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। और मैं अभी मेरे जो सीनियर है, मेरे गुरु नरसिंह सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे मुझे लेके आए और इस अपॉर्चुनिटी से मुझे रूबरू कराए। तो मैं भी अपना कुछ अनुभव है जो आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि
यहाँ कोई किसी को सिखा नहीं सकता, क्योंकि सब यहाँ अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं सभी अनुभवों को भी, अनुभवी लोगों को भी सादर नमन करती हूँ। बस कुछ चीजें हैं जो जो मैंने सीखी है कहीं कहीं पे, वो चीजों को मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक मिनट सर, मैं मेरे पास कुछ पीडीएफ है। चीजें दिख रही है क्या सर? बताएंगे थोड़ा तो मुझे समझ आएगा। स्क्रीन से तो नहीं हो रहा है, और ट्राई करिए। एक दिख रहा है सर? नहीं 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 अभी नहीं आया, अभी नहीं है, अभी दिख रहा है। मैडम जी शेयर में जाइए, पहले शेयर में जाइए। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, पहले वेट करिए, शेयर में जाइए। ये स्लाइड में नहीं आ रहा है, स्क्रीन में लाना पड़ेगा। यस यस यस, दिख रहा है सर? यस यस। हाँ, तो मैं कुछ तीन फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगी आपसे। ये अक्सर हम कोई भी काम को शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन ये तीन चीजें अगर हमारे पास ना हो, ये अगर तीन चीजें हम लेके ना चले, तो शायद वहां पे जो हम सक्सेस पाना चाहते हैं वो सक्सेस हम नहीं पा सकते। फर्स्ट है राइट माइंडसेट। जैसे बोलते हैं हर चीजें दो बार बनती है, पहले एक दिमाग में और दूसरा बनता है एक माइंड में। तो जो दिमाग में जब तक कोई चीज बनती नहीं है, जब तक उस पिक्चर को हम माइंड में नहीं बनाते, जैसे कोई भी बिल्डिंग जब बनता है तो सबसे पहले उसको दिमाग में बनाया जाता है कि यहाँ पे मोबाइल
Gracias.